हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मार्च 2022 का रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स का सोल्यूशन सीखने वाले हैं. सॉरी, मार्च 23 का. ओके, सब कुछ बनाना है. अमर अकबर एंथनी यानी कि अमिताभ बच्चन है. गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ अमर अकबर एंड एंथनी हुवर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इक्वली. ये बहुत अच्छी बात है. तो 1:1:1 यानी 1:1:1 ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व, ये क्या है बेटा? ये प्रॉफिट है और इसको क्या करेंगे? पीएनएल में, इसको कैपिटल में क्रेडिट करेंगे. कैपिटल अकाउंट्स हैं कैश, डेटर लेस आरडीडी, फर्नीचर, मशीनरी, कार, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस, बेटा ये लॉस है. जो लायबिलिटी में है वो प्रॉफिट होता है, जो एसेट में है वो लॉस होता है. लॉजिकली अगर सोचें तो जो जनरल रिजर्व था वो कैपिटल में क्रेडिट किया था, तो प्रॉफिट एंड लॉस को कैपिटल में डेबिट कर देंगे. कौन से रेशियो में? इक्वल रेशियो. ठीक है बेटा, चलिए आगे पढ़ते हैं. अमर रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. फर्नीचर इज वैल्यूड एट 28,000, तो फर्नीचर डिक्रीज हो रहा है. मशीनरी 76,000, वो भी डिक्रीज हो रहा है. कार 47,600, वो भी डिक्रीज हो रहा है. आरडीडी 5%, ये 5% हमें 32,000 का लेना है, 28,000 का नहीं. हमें ये अमाउंट से मतलब नहीं है. तो 5% कौन से अमाउंट का लेंगे? 32,000 का. तो इधर चेंज है ऐसा मैं लिख लेता हूं डॉट. इंक्रीज या डिक्रीज हम बाद में देखेंगे. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 30. हाउएवर ओनली अमर शेयर इज टू बी रेज्ड इन द बुक्स. देखो, बहुत सम हमने किए जिसमें रेज करने के बाद राइट ऑफ करने को भी बोला गया है. ये क्वेश्चन में सिर्फ रेज करने को बोला है, यानी हम जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये वाले क्वेश्चन में गुडविल विल अपियर इन द बैलेंस शीट, क्योंकि हम उसको राइट ऑफ नहीं करने वाले हैं. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है, सिर्फ रेज करने को बोला है. तो रेज करने के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे. तो गुडविल विल अपियर इन द बैलेंस शीट इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, ओके. अ पार्ट पेमेंट ऑफ 20,000 इज टू बी मेड. अच्छा बेटा, हमारे पास जो पैसे है ना बैंक में, कैश में 39,000, वो कह रहे हैं सारा लोन में ट्रांसफर मत करो. अमर हमें छोड़ के जा रहा है तो अमर को 20,000 रुपया दे दो, और जो बाकी का बैलेंस है एंड द बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट. तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो पार्टनर रिटायर होता है उसका पूरा बैलेंस हम लोन में ट्रांसफर कर. ये सब में ऐसा नहीं होगा. पहले हमें 20,000 रुपए अमर को देने पड़ेंगे, उसके बाद हम बैलेंस निकालेंगे और वो बैलेंस हम कैपिटल में से लोन में ट्रांसफर करेंगे. ठीक है बेटा, तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पीएनएल एडजस्टमेंट, कैपिटल एंड बैलेंस शीट. तो स्टार्ट करते हैं. सम फॉर्मेट रेडी रखिएगा और आपके सामने क्वेश्चन भी रखिएगा. पहले हम क्या करते हैं, जो चेंजेस नहीं है उसको न्यू बैलेंस शीट में लिख लेते हैं. बैलेंस शीट जो हम बना रहे हैं वो है 1 अप्रैल 2020 का. ठीक है, क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स में थोड़ा नीचे लिख लेता हूं. क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं है तो क्रेडिटर्स का अमाउंट 31,000 बाहर के कॉलम में मैंने लिख दिया. फिर मैं पहले कैपिटल का बैलेंस लिख लेता हूं. तो अमर पूरा लिख लेता हूं इधर. हाँ, अकबर बहुत फेमस गाना है, एंथनी अमर अकबर एंथनी. ओके, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो बैलेंस शीट का बैलेंस है वो हम इधर लिख लेते हैं 57,400, 63,600 एंड 60,000.
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, जनरल रिजर्व 24,000 है हमारे पास, तो बाय जनरल रिजर्व इक्वल, तो 24,000 तीन लोगों में बांट देना है इक्वल रेशियो में, तो हर एक के हिस्से में 8,000 का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल विल इंक्रीज बाय 8,000 ईच। तो लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। अब एसेट साइड, एसेट साइड में कैश, क्या कैश में कोई चेंजेस है? हाँ है सर, 39,000 को आप इनर कॉलम में लिख दीजिए, ठीक है, एक रो ब्लैंक छोड़ दिया। फिर डेटर्स, डेटर्स को हमने लिख दिया इनर कॉलम में 32,000। अच्छा, अब आरडीडी का क्या करें? तो मैंने काफी टाइम समझाया है कि हम जो फाइनल अकाउंट्स में करते हैं वही करेंगे। क्या करेंगे? तो जो जो बैलेंस शीट में आरडीडी दिया है उसको ओल्ड आरडीडी बोलना है आपको। क्या बोलना है? ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी का हम क्या करते हैं? तो ओल्ड आरडीडी को हम फाइनल अकाउंट्स में पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे लेस करते हैं, लेस ओल्ड आरडीडी। इसको मैं कंसेप्चुअली भी बाद में समझाऊंगा आपको, डोंट वरी, अभी फिलहाल प्रोसेस समझ लो। प्रोसेस क्या है? जो आरडीडी ट्रायल बैलेंस में यानी कि बैलेंस शीट में दिया है उसको पीएनएल एडजस्टमेंट में लेस ओल्ड आरडीडी कर दो 4,000, ठीक है। जब एडजस्टमेंट आएगा तो आगे देखते हैं। चलिए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में नेक्स्ट आ गया फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट है 30,000, एक रो हमने ब्लैंक छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट है मशीनरी, मशीनरी का अमाउंट है 80,000, एक रो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। फिर है मोटर कार, मोटर कार है 50,000, एक रो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये लॉस है जो हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर लिख देंगे, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9,000 का लॉस है, तीनों पार्टनर में हम डिवाइड करेंगे 3,000, 3,000 और 3,000, इक्वल हम डिवाइड कर देंगे। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया जो है बैलेंस शीट को खाली कर देना। अब पहला एडजस्टमेंट, फर्नीचर टू बी वैल्यूड एट 28,000, तो फर्नीचर 30,000 है, लेस डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन है 2,000, और बाहर आपका आ गया न्यू वैल्यू 28,000। ये 2,000 हमारा लॉस है और लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में डेबिट करते हैं, तो टू फर्नीचर बाहर के कॉलम में 2,000। नेक्स्ट मशीनरी 76,000, मशीनरी 80 का है और 76 हो गया है, यानी मशीनरी की वैल्यू 4,000 से कम हो गई है, तो आउटर कॉलम में हमने लिख दिया 76,000। सेकेंड इफेक्ट भूलेंगे नहीं, हम इधर लिख देंगे टू मशीनरी 4,000, ये लॉस है, ठीक है। नेक्स्ट है कार, कार की न्यू वैल्यू दी गई है 47,600, तो लेस अगेन डेप्रिसिएशन, वैल्यू कम हो रही है 47,600, ये न्यू वैल्यू है, विच मीन्स 2,400 से वैल्यू कम हो गई है, ठीक है। तो कार को भी हम पीएनएल एडजस्टमेंट में डेबिट कर देंगे, टू मोटर कार 2,400, ठीक। नेक्स्ट आरडीडी 5% मेंटेन करना है, तो अब ये न्यू आरडीडी हो गया, न्यू आरडीडी, तो लेस आरडीडी 5%, 32,000 का 10% होगा 3,200, 5% उसका हाफ हो जाएगा यानी कि 1,600, तो ये हम लेस करेंगे तो 30,400 विल कम इन द आउटर कॉलम। अभी 1,600 ये न्यू आरडीडी है,
न्यू आरडीडी 1600। अब मैंने आपको कहा था कि मैं कंसेप्चुअली एक्सप्लेन करूंगा, तो यहां पे कॉन्सेप्ट आ रहा है। आरडीडी यानी नुकसान होता है, डर लग रहा है कि डेटर्स पैसे देंगे या नहीं देंगे। पहले डर लग रहा था कि शायद 4000 का नुकसान हो जाएगा, अब हमको लग रहा है ना ना ना, 4000 गलत फिगर था, शायद हमें 1600 का नुकसान होगा। तो 1600 का नुकसान होगा तो यानी नुकसान कम हो गया, 4000 के नुकसान के जगह पे नुकसान होगा 1600 का, यानी इनडायरेक्टली देखा जाए तो 2400 का प्रॉफिट होगा। तो मैं क्या करूंगा, अभी यहां पे नेगेटिव फिगर नहीं लिखते हुए मैं इसको क्रेडिट साइड पे लिखूंगा, बाय एक्सेस आरडीडी, बाय एक्सेस आरडीडी 2400। 1600 ये न्यू आरडीडी है, 4000 ओल्ड आरडीडी था। आरडीडी लॉस होता है, लॉस अगर कम होने वाला है तो प्रॉफिट है, तो कितना से प्रॉफिट हुआ 2400 का। ठीक है, एक और बार जरा समझ लेते हैं जो भी डाउट्स आते हैं। जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है उसको ओल्ड आरडीडी समझना है, तो 4000 को हमने पहले इधर लेस ओल्ड आरडीडी कर दिया। अब जो नया आरडीडी क्रिएट करना है वो ये 32000 पे करना है, ये जो बाहर 28000 है उस पे नहीं करना है। 32000 पे 5%, ये 1600 जो है वो न्यू आरडीडी है, तो ये न्यू लिखा, न्यू माइनस ओल्ड करने जा रहे हैं तो नेगेटिव फिगर आता है, उसको हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। ठीक है, अगर न्यू बड़ा होता ज्यादा होता तो फिगर इधर लिख देते बैलेंस। ठीक है, चलिए अब आते हैं गुडविल पे। अच्छा, उसके पहले रिवैल्यूएशन तो सारे हो गए हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन तो सारे हो गए, कैश का बाकी है, तो हम पीएनएल एडजस्टमेंट को क्लोज कर देते हैं। ठीक, इधर 426 8400, वो सेम फिगर हमने इधर लिख दिया 8400, और ये जो बैलेंस है वो आ गया 6000। एक दो तीन चौथे रो में बाय कैपिटल अकाउंट, अमर अकबर एंथनी, 6000 को इक्वल रेशियो में आपको डिवाइड करना है, यानी 2000 और 2000, तो तीनों के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, तीनों के कैपिटल में, टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 2000 2000 एंड 2000। ठीक है, अभी गुडविल का एडजस्टमेंट बाकी रह जाता है, तो वर्किंग नोट पे आते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज 30000, तो पहले लिखते हैं गुडविल ऑफ द फर्म, ये है 30000, तो शेयर ऑफ अमर कितना बेटा, शेयर ऑफ अमर इन गुडविल इज इक्वल टू 30000 का 1/3 इक्वल शेयर है, यानी कि 10000, तो हमें ये शेयर को रेज करना है। रेज करने का मतलब गुडविल अकाउंट को डेबिट किया 10000, और क्या किया, अमर के कैपिटल को क्रेडिट किया 10000। इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, ये जो गुडविल अकाउंट है उसको बैलेंस शीट में लिखेंगे, ऐसा पहली बार हम कर रहे हैं, तो इधर लास्ट में लिख देते हैं हम गुडविल एसेट साइड पे 10000। ठीक है बेटा, ओके। सेकंड इफेक्ट क्या देना है सर, तो सेकंड इफेक्ट हमें अमर के कैपिटल में बाय गुडविल, अमर के कैपिटल में हमें क्रेडिट करना है 10000। ठीक है, नॉर्मली गुडविल राइट ऑफ करना होता है, ये क्वेश्चन में मना किया है, सिर्फ रेस करने को बोला है, पार्ट पेमेंट करना है 20000 का। ओके, तो अमर का अकाउंट क्लोज करने के पहले हम अमर को पैसे दे देंगे, तो अमर टू कैश 20000 रुपए हम अमर को दे रहे हैं, अमर टू कैश, तो कैश अकाउंट जो हमारा है उसमें से लेस अमर 20000 हमने अमर को पे कर दिया, तो 39000 में से 20 पे कर दिया,
तो 19,000 हमारे पास बच गया। अब क्या करें, तो अब हम पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका कैपिटल अकाउंट हम क्लोज करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड हम लेते हैं 57,400 प्लस 8,000 प्लस 10,000, तो ये हो गया 75,400 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 20,000, तो 50,400 रुपीस हम ट्रांसफर करेंगे टू अमर लोन अकाउंट। सेकेंड इफेक्ट अभी देना है, तो बैलेंस शीट में आ गए हम और अमर लोन अकाउंट इधर लिख दिया 50,400, ठीक है। पीछे जाना है, अभी अकबर को क्लोज करते हैं 63,600 एंड 8,000, सो 71,600 माइनस 5,000, सो 66,600 ये आपका बैलेंस है, तो टू बैलेंस कैरीड डाउन, तो ये हो गया कैपिटल अकबर और बीरबल, याद आता है ना, एंथनी, ठीक है। तो बैलेंस कितना है 66,600, ये अकबर का बैलेंस है, ठीक। अभी अभी हमें क्लोज करना है एंथनी, तो एंथनी का क्रेडिट का टोटल है 68, वो हमने यहां पर लिख दिया 68 और 5000 माइनस कर दिया, सो 63, सो एंथनी इज 63, सो दिस इज 1,29,600, 1,29,600, 50,400 एंड 31,000, 2,11,000 ये लायबिलिटीज का टोटल है, एसेट साइड 30,400 28,000 76,000 47,600 एंड 10,000, 2,11,000 से हमारा जो बैलेंस शीट है वो टैली हो गया, ठीक है। तो ये था मार्च 2023 का, यानी कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा था वो, आई होप समझ में आया है। थोड़ा ट्रिकी था, गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना है, इसीलिए न्यू बैलेंस शीट में वो अपीयर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।